प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है? प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा उसको यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस से, ठीक है? उसके बाद एज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको जब हम लोग बदलेंगे, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये कैसे बदलेगा जी? तो ये बदल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद इज एम और आर हो गया, उसके बाद बीइंग प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला सब्जेक्ट उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? ये वाला उधर जाएगा तो चलिए इस पर एग्जाम्पल को देखिए। जैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखे दिया जाएगा कि यू यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसको जैसे आप लोग बनाएंगे तो इंग्लिश इधर आएगा ना जी, तो इंग्लिश इंग्लिश इज बीइंग बीइंग स्पोकन बाई, और ये यू उधर जाएगा तो ये यू हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट बना पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल को देखिए। जैसे दिया जाएगा आई एम रीडिंग दिस बुक, ठीक है? तो चलिए इसको आप लोग बनाएंगे तो दिस बुक इधर आएगा ना जी, तो ये दिस बुक इधर लाइए तो दिस बुक इज बीइंग बीइंग रीड बाई, तब क्या हो जाएगा? आई उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीका से जो है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये फंक्शन काम करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।